हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। 16 वज़ीरे आज़म को इल्जामात लगाकर निकाला गया। क्या हर बार वज़ीरे आज़म ही गलत होता है, कोई और क्यों गलत नहीं होता? सियासी जमातों को तोड़ना बंद किया जाए, पीएसपी से कुछ नहीं होने वाला, लीडर बनाने का फैसला पार्टी वर्कर पर छोड़ दिया जाए। हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि इदारों से टकराव चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक का खिताब, अदालत से नाअहल नवाज शरीफ को वोट की ताकत से अपना लीडर बनाया और इस पर फख्र है। नवाज शरीफ नजरिए करप्शन का नाम है, उनके साथियों को डर है अगर नवाज शरीफ पकड़े गए तो फिर उनकी बारी आएगी। ख्वाजा आसिफ दुबई में जाली कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं। क्या दुनिया में कोई वजीर खारजा बैरून मुल्क नौकरी करता है? इमरान खान का जलसे से खिताब, नैब से वजीर दाखला के अकामे की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। वजीर आला पंजाब का पीर हमीदुद्दीन सियालवी से राबता, शहबाज शरीफ की पीर हमीदुद्दीन को तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात करेंगे। नवाज जरदारी ताल्लुकात बहाल होने की उम्मीद पैदा हो गई। मंजूर वसान कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हो सकती है, बिलावल और मरियम की मुलाकात का भी इम्कान है। सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की कोई जगह नहीं, ये करता है। सिंध में देही और शहरी खलीज को बढ़ाया जा रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है। 8 दिसंबर को अकबर ग्राउंड में जलसा होगा, हैदराबाद में फारूख सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में सीवीयू पर गाड़ियों की रेस में झगड़ा, नौजवान कत्ल, पुलिस ने खालिद बिन वलीद रोड पर छापा मारकर चारों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात नजर आने चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में है। अमरीकी वजीर दिफा की दौरे पाकिस्तान से कबल गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान से पूछेंगे कि अफगान मुफामती अमल में वो क्या किरदार अदा कर सकता है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयां, ISPR के मुताबिक कलदम तंजीम के 11 दहशतगर्दों को धर लिया गया, बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। पागलपन की हद तक सेल्फी लेने का जुनून, एक और नौजवान जान से गया। उकाड़ा की नहर लोअर बारी दोआब में नौजवान सेल्फी लेते हुए डूब गया, तलाश जारी।